ये मेरी गांव के हुक्मरान भी सुने, ये मेरी गांव के हुक्मरान भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। और इस समझने क़िबला वो सिर्फ फलस्तीनियों का मामला नहीं बल्कि आलम इस्लाम का मामला है। जैसे फलस्तीनी क़िबला अव्वल के मुहाफिज़ है, पाकिस्तानियों की भी इतनी जिम्मेदारी बनती है। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान बलता रहा, और सीनों में कुरान बलता रहा। इसे सज़मीने अम्बिया भी कहा जाता है। फलस्तीन में वाकिया है मस्जिद अक्सा, यरूशलेम शहर में वाकिया है। क्या क्या वहाँ बच्चे नहीं, क्या वहाँ औरतें नहीं, क्या उन बच्चों के कोई ख्वाब ना थे? आज वहाँ ना तो पानी है, ना तो खाना, ना ही रहने के लिए जगह। आज वो जख्मी है तो उनके लिए उनके पास दवाइयाँ नहीं है। झगड़ा है मेरा कुछ, चलो इसको छुड़ाए, जंजीरों को तोड़ दे, इसे आजाद कराए। मगर के गुलामों के असीरों ना डरो तुम, अक्तूर दुकासा ऐ फकीरों ना डरो तुम। अगर ऐसे ही मुस्लिम दुनिया सोती रही तो इसराइल और इसके सरपरस्त एक एक करके तमाम मुस्लिम मालिक को फलस्तीन में बदल देंगे। मौके पर मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद होना वक्त की अहम जरूरत है। अगर क़िबला अव्वल ही महफूज नहीं तो हमारे ईमान भी महफूज। द इसराइलीज आर बॉम्बिंग पैलेस्टाइन एवरी डे एंड पैलेस्टाइन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने, लाशें ही लाशें होंगी मेरी गोद में, लाशें ही लाशें होंगी मेरी गोद में। कोई मुझसे पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। अम्बिया की सरजमीन है फलस्तीन, जहाँ हमारी माए, बहने, बच्चे और बुजुर्ग 75 साल से खून का नजराना पेश कर रहे हैं और अकेले ही आजादी की जंग लड़ रहे हैं। जिसकी परवाज है आसमानों तले, जिसकी परवाज है आसमानों तले, जख्मी जख्मी मैं वो शाहीन हूँ, जख्मी जख्मी मैं वो शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। फलस्तीन की जमीन एक पाशल जमीन है, इसे असल जमीन अम्बिया भी कहा जाता है। फलस्तीन में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। The people of Palestine are living in a state of conflict for many years. As Muslims, we must stand together to support those who are suffering. बच्चों को दुखने हैं और कितने ही बच्चों के सामने माओ को दुखनाया जा रहा है और कितने ही बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया है। चलता है ये फलस्तीन, चलो आग बुझाए जालिम की गिरेबान की तरफ हाथ। पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी खामोशी तोड़े और इसराइल के खिलाफ एक मोसर ब्लॉक बनाने की तदबीर करें। मुस्लिम दुनिया अगर इसी तरह सोती रही तो इसराइल और इसके सरपरस्त एक एक करके पूरी मुस्लिम ममालिक को फलस्तीन में तब्दील कर देंगे। और तारीख वो है कि जिस आज तक दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उन्होंने खुद नुकसान उठाया, लेकिन आज तक दीन इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सके। हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि हमारा अल्लाह हमारे साथ है। फलस्तीन में यहूदियों ने जुल्म की इंतहा कर रखी है, हर शख्स को कत्ल कर रहे हैं। या रब फलस्तीन की मदद फरमा। टूटे घर, बिखरे कौम और जलता फलस्तीन हमें मदद के लिए पुकार रहा है कि जाग मुसलमान जाग। मैं बैतुल मुकद्दस में इसराइली जालियत और नमाजियों को हर हमले की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। राधे जिन की पुख्ता हो, नजर जिन की कुर्रा पर हो, तलातम गैर मौजू से वो कभी घबराया नहीं करते। अल्लाहु अकबर।
people of Palestine are not alone in their struggle. Muslims all over the world are standing with them and praying for their safety and well-being. The children of Palestine losing their parents in front of their eyes. पाकिस्तान की फौजियों को चाहिए कि वो इसराइल के खिलाफ जंग लड़े और फलस्तीन की मदद करें। क्यों आज उम्मते मुसलमान क्यों खामोश है? क्या आज लोगों को उन बच्चों की चीखें सुनाई नहीं दे रही? अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाए तो हम तड़प उठते हैं, लेकिन वहाँ पे तो बच्चे मर जाते हैं, चल जाते हैं। क्या उनके वालिदैन को दुख नहीं होता? हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं, हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर सकते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी खामोशी तोड़ें और फलस्तीन इसराइल के खिलाफ एक मौसम ब्लॉग बनाने की तदबीर करें। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके लिए दुआएं करें कि यहूदियों की सारी चीजों का बायकॉट कर दें, और ये एक अदना सी कोशिश होगी फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का साथ देने की। हम फलस्तीन में मौजूद नहीं, लेकिन उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, इसलिए अल्लाह से दुआ करें और इनके लिए अल्लाह से ही मदद मांगे। Of the Muslim nation to use your power and influence to support the people of Palestine. Together we can make a difference and bring peace and justice to this troubled land. Mano sabhal jao, sabhal jaane ka waqt aaya. Bahut soye ho, ab hosh mein aane ka waqt aaya. Jala dali thi tumne kashtiyan Udlis ke sahil par. Musalmano wahi tareekh dohrane ka waqt aaya. Utho, मायूसियों की जिंदगी से मौत बेहतर है। आमीन मरकर हया जावेदा पाने का वक्त आया। फलस्तीन की बलवन, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।